फरासिया से बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां किसानों ने सोसाइटी पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिसके बाद जांच अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। उनका कहना है कि जांच के बाद ही पूरे मामले का पता चल सकेगा। फरासिया में सेवा सहकारी समिति मर्यादित चांदामेटा में किसानों की जमा दस्तावेज पर फर्जी तरीके से लोन लेने का मामला सामने आया है। सेवा समिति सदस्य किसान ने आरोप लगाया है कि सोसाइटी ने किसानों के जमा दस्तावेजों पर फर्जी तरीके से 2.5 लाख का लोन लिया है। वहीं इस मामले में सोसाइटी जांचकर्ताओं का कहना है कि यहां किसानों की लोन लिमिट को दर्शाया गया है, ना कि लोन। वहीं अमूल्य नाम के व्यक्ति का कहना है कि बैंक से लोन लेना बताया जा रहा है। फिलहाल जांच अधिकारी मामले की जांच करने में जुट गए हैं, लेकिन किसान बड़े घोटाले का दावा कर रहे हैं। लिमिट चढ़ी है उनकी, लोन नहीं है, उनको एक्चुअली लोन नहीं है। जो हमने नोटिस भी भेजे हैं उनको, सिर्फ उनके ऊपर जो लोन है उसी के नोटिस भेजे हैं। उनके ऊपर उनकी जो खसरे में चढ़ी है वो साक्षी में चढ़ी है, उनको लोन नहीं है। वो भूमि खसरे में 1.5 लाख का ऋण दर्ज किया गया, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। मैंने पूछा तो बोले आपके एक महिला एक जैसे नाम होने की वजह से गलती हुई है। उस आधार पर मैंने इसकी जांच प्रतिवेदन की, सभी की नकल निकलवाए सत्य प्रति। धीरे धीरे इनके देखे कि जिन किसान ने केसीसी ऋण लिया है, जिनने 1 लाख रुपए लिया है, इन लोगों ने खसरों में 2.5-3 लाख रुपए प्रविष्ट किया है, जबकि किसान ने वो राशि प्राप्त नहीं किया। ऐसी कई सहकारी समिति, इसके 13 समिति आती परासिया जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत, 13 समिति में वित्तीय अनियमितता पाई गई है। किसानों को खसरों में फर्जी ऋण हुए, किसान ने कभी बैंक में जाकर ऋण के लिए आवेदन करा नहीं है, और ये सोसाइटी और बैंक और सहकारिता विभाग ये सभी मिलकर किसान को भ्रमित कर रहे हैं। और इनके द्वारा प्रकरण की मैंने जांच की गई है, जांच PMO ऑफिस से लेकर CM हेल्पलाइन में हर अधिकारी तक पहुंचाया हूं मैंने मामले को, और इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और हम इस मामले में कोर्ट में जाएंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।